नमस्कार, मेरा नाम अंकुर वाजपेयी है और आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट न्यूज। इन दिनों पत्रकार और पत्रकारिता दोनों पर काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं। सियासी दलों और मीडिया का गठबंधन हो गया है, जिससे लोगों में काफ़ी रोष है। कई सारे आरोप भी लगते हैं कि अब पत्रकारिता में निष्पक्षता खत्म हो गई है, और साथ ही कई छोटे बड़े चैनलों के आ जाने से और वेब पोर्टलों के आ जाने से ये भी सवाल उठने लगे हैं कि कौन असली पत्रकार है और कौन नकली पत्रकार है। इसी मुद्दे पर आज हमसे बात करने के लिए सुदीप्त मणि त्रिपाठी जी हैं, जो द लोकतंत्र के संपादक भी हैं। सुदीप्त जी एक युवा पत्रकार हैं और इन्होंने पत्रकारिता में BHU से परा स्नातक यानी MA किया है। कई सारे मुद्दों पर गंभीर चिंतन करते हैं और बेबाकी से लिखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है सर कि सियासी दलों और मीडिया का गठबंधन हो गया है, इसमें कितनी सच्चाई है और आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए अंकुर, यकीनन मीडिया और सियासी दलों के बीच एक गठबंधन सा हो चला है। आज मीडिया सियासी दलों के लिए सत्ता के लिए काम करती हुई दिखाई पड़ती है, और यह सिर्फ मेरा आरोप नहीं है, यह पूरी देश की जनता आरोप लगा रही है कि मीडिया सियासी दलों के गलियारों में, सियासी दलों के समक्ष घुटनों पर बैठ गई है। आप किसान आंदोलन को उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। मीडिया ने पूरे किसान आंदोलन का जिस तरह से कवरेज किया है, जिस तरह की नकारात्मक खबरें आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में चलाई हैं, वह पूरी तरह निराशाजनक रहा है। मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने में लगा रहा। कई सारे न्यूज चैनल्स ने यहाँ तक चलाया कि यह पूरा आंदोलन प्रायोजित है, इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है, इसमें फंड लगे हुए हैं। यहाँ तक भी बात हुई है कि पूरे आंदोलन के दौरान पाकिस्तान समर्थित नारे लगे हैं। यकीनन यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया किसी जन आंदोलन को, किसी आक्रोश को इस तरह से सरकार के दबाव में दिखा रही है जनता को, जिससे वो पूरा आंदोलन बदनाम हो जाए। तो इस बात में तनिक भी झूठ नहीं है कि मीडिया और सरकारों के बीच, मीडिया और सियासी दलों के बीच गठबंधन हो गया, यह पूरी तरह सही है, मैं इससे सहमत हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जहन में आ रहा है कि पत्रकार कौन है। हालात ये हैं कि 5 लोग 10 लोगों में 5 ऐसे लोग हैं जो पत्रकार हैं। ऐसे में पत्रकारिता के लिए मापदंड क्या होना चाहिए? देखिए अंकुर, पत्रकारिता के लिए जो मापदंड है वो सीधे तौर पे है कि समाज के प्रति आपका नज़रिया क्या है, आप समाज को किस तरह से देखते हैं और आपका दृष्टिकोण क्या है। अगर आप समाज को सकारात्मक खबरों के माध्यम से समाज के सुधार के लिए, समाज की आवाज़ को, जो उनकी कमियां हैं, जो उनको दिक्कतें हैं, समाज के लिए आप बात करते हैं, समाज का प्रवक्ता बनते हैं और उसको उसी नज़रिए से देखते हैं, गंभीरता से, तो पत्रकार आप बेहतर पत्रकार हैं। लेकिन स्थिति आज उल्टी है। आज पत्रकारिता समाज की बात न करके, समाज के लिए बात न करके सत्ता के लिए बात करती है और सत्ता के लिए ही काम करती है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो बात हुई थी कि पत्रकारिता और समाज, पत्रकारिता और सियासत का गठजोड़ हो गया, तो यकीनन ये पत्रकारिता और सियासत का गठजोड़ हुआ है। और असली पत्रकार और नकली पत्रकार, यह सवाल कहाँ से उठा? दरअसल हम और आप इस बात पे जिक्र करते हैं कि कौन असली पत्रकार है, कौन नकली पत्रकार है, उसके पीछे की भी वजहें हैं। देखिए, पत्रकार होना, सभी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार, आप भी पत्रकार, जहाँ तक कि ये दर्शक देख रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग बहुत ही गंभीर चिंतन करते हैं समाज के प्रति, और अलग अलग माध्यमों से अपने चिंतन को लिखते भी हैं और बताते भी हैं और बोलते भी हैं। कई सारे स्वतंत्र मीडिया संस्थान हुए हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन फिर असली और नकली का जिक्र कहाँ आ जाता है? देखिए, असली और नकली का जिक्र तब आ जाता है जब मीडिया में ऐसे प्रदूषण की बात होती है जो मीडिया में होना नहीं चाहिए। देखिए, एनवायरनमेंट में भी प्रदूषण है और मीडिया संस्थानों में भी प्रदूषण है। अब मीडिया संस्थानों में जो प्रदूषण है वो वैसे लोग हैं जो अपराधी हैं, दलाल टाइप की प्रवृत्ति के हैं, रियल इस्टेट ब्रोकर्स हैं, उन्होंने अपना मीडिया संस्थान खड़ा कर लिया और उन्होंने अपना मीडिया संस्थान सरकारों को, सियासी दलों को समर्थन देने के लिए खड़ा किया है। उनके मीडिया संस्थानों पे सिर्फ सरकारों की बात होती है, सरकारों के समर्थन की बात होती है, सियासी दलों की बात होती है, वो जनता की बात नहीं करते। तो असली और नकली का जो ये जिरह है वो सीधे तौर पर वहीं से आई हुई है। देखिए, मीडिया के लिए काम करना
इसका मतलब ये नहीं है कि आप मीडिया संस्थान आपके पास हो या आप किसी मीडिया संस्थान के लिए काम करते हो, आप व्यक्तिगत तौर पे भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह लिख सकते हैं, और इस लिखने की जो स्थिति है, जो आप गंभीर चिंतन करते हो, वो पत्रकारिता के दायरे में आती है। तो असली नकली का कहीं सवाल नहीं उठता है, सवाल तब उठता है जब पत्रकारीय कर्म दूषित हो जाए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है पत्रकारिता का, लेकिन ये इस समय खतरे में है। आप देखें तो हालात ये है, कई सारे आरोप भी लगते रहे हैं मीडिया पर। आप ये बताइए कि इसका भविष्य क्या होगा पत्रकारिता का, आने वाले समय में इसका भविष्य क्या होगा? कि निष्पक्षता पर इस पे सवाल तो है ही है, लेकिन इसका भविष्य क्या होगा? देखिए अंकुर, पत्रकारिता का भविष्य बहुत सुनहला है, हमारा इतिहास भी बहुत सुनहला था, लेकिन जो वर्तमान परिवेश है, वर्तमान में जो पत्रकारिता की स्थिति है, वह किसी गंदे नाले की तरह है। आज पत्रकार अपने जवाबदेही को तय नहीं कर पा रहा है कि उसकी जवाबदेही किसके प्रति है। मीडिया संस्थान नहीं तय कर पा रहे हैं कि उनको किसके लिए काम करना है। आज अधिकांश मीडिया संस्थान सियासी दलों के चरणों में लौटे हुए हैं। आज अधिकांश पत्रकार सियासी दलों के लिए काम करते हैं, सत्ताधारी दलों के लिए काम करते हैं। सबका अपना एजेंडा है, सबके अपने देखने का नजरिया है, और सब उसी अनुसार काम कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि पत्रकारिता का भविष्य कैसा होगा अगर हम आज ठहर जाएं, अगर चैनल्स गंभीरता से इस विषय पे सोचें कि हमें जवाबदेह किसके प्रति होना है, और इस जनता के प्रति जवाबदेही और सरकार के प्रति जवाबदेही तय करने में सक्षम हो जाएं, तो यकीनी तौर पे मीडिया का भविष्य कल से सुधर जाएगा। और मीडिया संस्थानों को इस दिशा में काम करना चाहिए, और यह तय करना चाहिए कि हमें अपने भविष्य को कैसे लेके चलना है। आज पत्रकार हर जगह गाली खा रहे हैं, मीडिया संस्थानों को कोसा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जनता लगातार मीडिया को दो तरह से ट्रीट कर रही है, कहती है कि आप तो गोदी मीडिया वाले हो। गोदी मीडिया वाले आरोप लगाते हैं कि अरे तुम तो विपक्ष की बात कर रहे हो, तुम डिजाइनर पत्रकार हो, तमाम तरह की चीजें, मतलब हम आपस में लड़ रहे हैं। हमें जनता के लिए सरकारों से लड़ना चाहिए, सरकार की जो मुहिम है, सरकार के जो योजनाएं, उनको जनता तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन हम जनता की बातों को इग्नोर कर रहे हैं, सरकार की बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। और किन बातों को पहुंचा रहे हैं? जो प्रोपेगेटेड है, जो प्रायोजित है, जिसे इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि जनता को छला जा सके और वोट लिया जा सके। मैं आपको एक सामान्य सा उदाहरण देता हूं। बिहार चुनाव अभी हाल ही में बीता है। बिहार चुनाव में पत्रकारों की जितनी लॉबी बिहार में ग्राउंड जीरो पे थी, उन्होंने पूरे चुनाव को कवर किस तरह किया? उन्होंने पूरे चुनाव को दो लोगों के बीच वर्सेस बना दिया, मतलब या तो नीतीश जीतेंगे, नहीं तो तेजस्वी जीतेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने किसी की बात नहीं की। निर्दल प्रत्याशी भी उतरे हुए थे पूरे चुनाव में, बहुत सारे निर्दल प्रत्याशी जिनकी अच्छी सोच थी वो चुनाव हार गए। किन वजहों से हारे? क्योंकि मीडिया ने उनकी बात को जनता के बीच नहीं रखा, न पहुंचाया। तो हमें तय करना होगा कि हमें किसको दिखाना है। जिस दिन हम यह तय करने में सक्षम हो जाएंगे कि हमें किसे दिखाना है, किसके लिए काम करना है, उस दिन मीडिया की स्थिति सुधर जाएगी। इतिहास की बात करें तो इतिहास में हमारी पत्रकारिता स्वर्णिम रही है। आज देश जो आजाद स्थिति में, उसके पीछे कहीं ना कहीं पत्रकारिता का लंबा हाथ रहा है, क्योंकि पत्रकारों ने, उस दौर के पत्रकारों ने अपने लेखों के माध्यम से, अपने आर्टिकल्स के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से पूरे देश को, जनता को एक सूत्र में पिरोया, जिसकी वजह से एक बड़ी क्रांति हुई और हम अंग्रेजों से लड़ के जीतने में सक्षम रहे। लेकिन आज दौर सीधा उल्टा है, आज हम देश को गुलामी के ओर ले जा रहे हैं, और इसमें पत्रकारिता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है देश को गुलाम बनाने में। आज हम सत्ता की बातें जनता को बताते नहीं है, सत्ता की बातें जनता पे थोपते हैं। आज वैचारिक युद्ध सा चल निकला। कहीं ना कहीं मीडिया को इस बात पे चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल, हमें आपस में या इस बात पे विमर्श करना चाहिए कि पत्रकारिता किस दिशा में हो।
क्या हम जनता के लिए काम करें या फिर सरकारों के लिए काम करें। सरकारों के लिए काम हो रहा है, हमें इस बात का जिक्र करने की आवश्यकता है, इस बात पे आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि हमें जनता के लिए काम करना होगा, क्योंकि 70 साल हो गए आज़ादी के लेकिन जनता की स्थिति नहीं बदली। लेकिन टीवी स्क्रीन उठा के देखिए तो हर जगह आपको विकास नजर आएगा, जमीन पे उतर जाइए तो आपको स्थिति पता है कि क्या है। तो कहीं ना कहीं हमें जनता के प्रवक्ता के तौर पे काम करना होगा, सरकारों के प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सुदित जी, अगले फिर कोई महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर, और इस मुद्दे पर अभी काफ़ी विमर्श की ज़रूरत है, हम आगे लगातार इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये जो विषय है, जो आपने विषय उठाया है, पत्रकार, पत्रकारिता, असली नकली पत्रकार, इस पर अभी लंबे विमर्श की ज़रूरत है, तो हम इस पर और भी लगातार बात करेंगे। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और इसमें लंबी बातचीत की ज़रूरत है, समय की अनुपलब्धता है, मैं समझ सकता हूँ कि टाइम फ्रेम अधिक हो जाएगा तो जनता की दिलचस्पी खत्म हो जाती है। ठीक है, हम इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।